Hello friends, my name is Dr. Akanksha Chauhan. I am working as a fertility specialist at Milan Lima Fertility Center, GK2, New Delhi. आज मैं जो बात करना चाहती हूँ कुछ lifestyle changes के बारे में बात करूँगी जो हमारे male fertility को बढ़ाते हैं. हम सब ये जानते हैं कि 1/3 पैरामीटर्स जो होते हैं वो मेल इनफर्टिलिटी की वजह से होते हैं इनफर्टिलिटी में. सो, कुछ हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, कुछ हैबिट्स ऐसी हम बताएंगे आज जो हमारे इन पैरामीटर्स को बेटर करेगी. मेल पैरामीटर्स में हम तीन चीज़ देखते हैं. पहला, कॉन्सेंट्रेशन कितना है स्पर्म का. दूसरा, स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है. और तीसरा, कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी है. तो इन तीनों पैरामीटर्स को बढ़ाने के लिए क्या चेंजेस हम कर सकते हैं. पहला, हम जो खाने पीने में चेंजेस चाहेंगे, हम बोलेंगे कि आप ऐसा खाना खाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो. ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने का मतलब है जो नॉन शुगरी आइटम्स हैं जिसमें मीठा कम हो. तो आजकल लोग नो शुगर लो फैट डाइट की तरफ जा रहे हैं जो हमारे स्पर्म पैरामीटर्स को इम्प्रूव करता है. डायबिटीज़, इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सो इंडिया में डायबिटीज़ के केसेस बहुत हैं और डायबिटीज़ हमारे स्पर्म के लिए बहुत बुरी बीमारी है. जैसे ही शुगर लेवल्स बॉडी के बढ़ते हैं, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, लोगों में फर्टिलिटी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं. सो, जितना हो सके आप अपने खाने में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को तवज्जो देकर ऐसा खाना खाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो. दूसरी चीज़ होती है अल्कोहल. अल्कोहल से हमारे स्पर्म पैरामीटर्स डिरेंज होते हैं. तो हम चाहेंगे कि आप अल्कोहल की मात्रा कम से कम कंज्यूम करें या फिर आप इसको बंद करें. तीसरी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है स्मोकिंग. स्मोकिंग हमारे स्पर्म के पैरामीटर्स को बहुत ख़राब करती है. स्मोकिंग मेनली हमारे जो स्पर्म का डीएनए होता है उसको ख़राब करती है. तो इवन कई बार पेशेंट आता है जिसका स्मोकिंग का हिस्ट्री होता है, हम लोग जनरली एक सीमन एनालिसिस करा लेते हैं और उस पर हम बोल देते हैं कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ठीक है तो शायद कोई दिक्कत नहीं है. बट स्मोकिंग जो स्पर्म का डीएनए है उसको यूजुअली प्रभावित करती है और उसकी वजह से हमारा जो एक स्पर्म डीएफआई टेस्ट होता है वो रेज आता है और वो फर्टिलाइजेशन में या रिकरेंट मिसकैरेजेस के कारण हो सकते हैं. इसलिए स्मोकिंग अवॉइड करना या कम करना बहुत ज़रूरी है. चौथी चीज़ है बैलेंस डाइट. जितनी डाइट हमारी बैलेंस्ड होगी, जितना उसमें फ्रूट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, हमारे वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, उतना हमारा स्पर्म की क्वालिटी बेहतर होगी. पांचवी चीज़ है स्ट्रेस लेवल्स, जो कि आजकल बहुत कॉमनली जो हमारी कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें पेशेंट्स का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है. स्ट्रेस लेवल्स की वजह से हमारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स बढ़ते हैं जो कि हमारी फर्टिलिटी के लिए इन्वर्सली अफेक्ट करते हैं, मतलब फर्टिलिटी को ख़राब करते हैं. सो, जितना हो सकता है आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करिए, अपना स्लीप पैरामीटर बढ़ाइए, कोशिश करिए कि 8 घंटे की एक अच्छी हेल्दी स्लीप आप लें. छठी चीज़ होती है जो हमारे कई बार पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि वो ध्यान दें. जैसे आजकल कॉर्पोरेट कल्चर है, कई बार पेशेंट अनलोइंगली अपने लैपटॉप थाई पे रखकर काम करते हैं तो उसकी वजह से लोकल एरिया बहुत हीटअप हो जाता है और आपके जो टेस्टिकुलर स्पर्म्स हैं उनके लिए जो ये हीट है ये बहुत ख़राब होती है और हमारे स्पर्म्स का काउंट और मोटिलिटी दोनों पे प्रभाव डालती है. सो, कोशिश ये करें कि आप लैपटॉप को थोड़ा दूर रख के काम कर पाएँ, बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स ना पहने ताकि आपके टेस्टिकल्स जो हैं थोड़ी उनको हवा मिले और वहाँ पे टेम्परेचर रेज होने की वजह से यूजुअली आपका टेस्टिकुलर जो स्पर्म की क्वालिटी है उसको वो ख़राब ना करे. कई लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम जब प्लान कर रहे हैं बच्चा उस दौरान जो हमारे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं क्या हम डेली कर सकते हैं या डेली करने से सेक्सुअल एक्टिविटी डेली करने से ख़राब होती है स्पर्म की क्वालिटी. तो ऐसा कुछ नहीं है. जितना जो आपका जो वो एक हफ्ता है जिस दौरान ओव्यूलेशन होता है, डॉक्टर्स की तरफ से ये रिकमेंडेड है कि उस समय आप डेली अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो आपके फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ते हैं, आपके फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं उसकी वजह से. कई लोग ये हमसे सवाल करते हैं क्या हम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हुए ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं. साइंटिफिकली जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं वो स्पर्मिसाइडल होते हैं, उनका जो पीएच होता है वो काफ़ी अलग होता है और वो फर्टिलिटी के लिए अच्छे नहीं होते. इसके लिए हम यूजुअली आपको ल्यूब्रिकेंट्स नहीं एडवाइस करते. बट फिर भी अगर कोई पेनफुल
आपको ऐसा लगता है कि ये पेनफुल हो सकता है इंटरकोर्स करते हुए और वो लुब्रिकेंट्स यूज करना चाहते हैं, तो आजकल उसके लिए मार्केट में स्पर्म फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप स्पर्म फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स को यूज करें। इसके अलावा और क्या पैरामीटर्स हैं जो हमारी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो हम ये कहेंगे कि आप अपनी एक्सरसाइज और योगा का, जो योगा एक्सरसाइज ये डेली में आप अपनी हैबिट्स में ऐड करें, क्योंकि जो एक्सरसाइज योगा होते हैं वो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं और आपके फर्टिलिटी पैरामीटर्स को इन्हांस करते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगी, आजकल की जनरेशन बहुत ही जिम में इन्वॉल्व रहती है, जिम फ्रीक हैं बहुत सारे हमारे मेल पेशेंट्स, तो कई बार वो नोइंगली अननोइंगली जिम सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करते हैं। सो वो जो जिम सप्लीमेंट्स होते हैं उनका ध्यान रखिए कि कई बार उसके अंदर हमारे टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स ऐड होते हैं, कई बार उसके अंदर हमारे स्टेरॉइड्स ऐड होते हैं जो हमारे स्पर्म की क्वालिटी के लिए ख़राब है। सो कोई भी ऐसा सप्लीमेंट जो आपकी फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकता है, आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना लें। अगर आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके कंज्यूम करें। ये सब पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए, हेल्दी हैबिट्स अपनाते हुए, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कंसीव होने में दिक्कत आ रही है, एक साल से ऊपर हो गया है आपको ट्राई करते हुए, तो आपको अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए।